एक ऐसी चीज है जो सभी रिश्तों को तोड़ देता है। पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहता, बाप बेटे का नहीं रहता। आजकल पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन गया है। वेल, और यही सब देखने को मिल रहा है हमारे शो स्वरागनी में, जहां पैसे की वजह से दो भाई संस्कार और लक्ष्य एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ, पैसों की वजह से ही दो बहनें स्वरा और रागनी भी एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं। और आज इसी दुश्मनी की वजह से रागनी और लक्ष्य हमेशा के लिए मार देंगे स्वरा और संस्कार को। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो दोनों स्वरा और संस्कार की जान ले लेंगे, तो रुकिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होगा। दरअसल शो में महेश्वरी फैमिली के बेटे आदर्श ने अपनी बीवी परिणीता के साथ मिलकर पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया था। अब घर से बाहर होने के बाद पूरा परिवार पहुंच जाता है बाड़े में, और वहां जाकर उनके सामने आती है दादी की असली सच्चाई कि दादी भी इस चाल में मिली हुई है। और ऐसे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लक्ष्य पहुंच जाता है जेल में, और जेल से उसे छुड़ाने के लिए रागनी को चाहिए 5 लाख रुपए, और वो जाती है दादी के पास ये पैसे मांगने के लिए। दादी उसे पैसे तो जरूर देती है, लेकिन उसके सामने रखती है एक शर्त, और इसके बाद रागनी और लक्ष्य मिलकर स्वरा और संस्कार का कर देंगे श्राद्ध। जी हाँ, वो लोग जीते जी इन दोनों को मरा हुआ समझेंगे और दादी के कहने पर कर देंगे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए इन दोनों का श्राद्ध। वेल, कहानी में ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे और क्या होगा? क्या स्वरा और रागनी कभी एक साथ नहीं होंगे? ये सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।